रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वो इज़ सोशियोलॉजी इट्स नेचर एंड अस्कोप जो फ़र्स्ट चैप्टर था डिफ़ाइनिंग सोशियोलॉजी हमने वो सारा कर लिया था उसमें ये एक टॉपिक जो था वो हमारा रहता था जैसे कि आपको टॉपिक का नाम भी और जो चैप्टर है उसका नाम भी आपको स्लाइड में शो रहा होगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोशियोलॉजी है क्या वो कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ द दंगेस्ट ऑफ आल सोशल साइंसिस दी वर्ल्ड सोशियलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लेटर सोशस मीनिंग सोसाइटी एंड द ग्रीक वर्ड लॉगस मीनिंग स्टडी और साइंस मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सोशलॉजी है जो सोशल साइंसिस की एक ब्रांच है और ये सबसे यंगेस्ट है सोशल साइंसिस में ये कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का एक वर्ड जो है वो लेटिन है और एक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है लेटिन वर्ड जो है वो सोशस है जिसका जिसका मतलब है सोसाइटी और जो ग्रीक वर्ड है वो है लॉगस जिसका मतलब है स्टडी करना तो बेसिकली सोसाइटी स्टडी ऑफ सोसाइटी जो है वो सोशोलॉजी कहलाता है दी एप्टोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी सोसाइटी वही बात अब यहाँ पर आगे जो डेफिनेशन है पॉइंट और वर्क के मुताबिक सोशोलॉजी इज़ साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर जो इज्तमी रवैये है आप इकट्ठे होकर जो किसी एक किसी एक सिचुएशन में जो रिएक्ट करते हैं जो कलेक्टिव रिएक्शन होता है जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है आपका उसकी स्टडी जो है वो सोशोलॉजी कहलाती है इसको उर्दू में हम लोग इमरानियात कहते हैं वेबर के मुताबिक सोशोलॉजी इज़ दाइंस द इंटरप्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन जो सोशल जो आ, समाजी अमल होते हैं उन सामाजिक अमल को किस तरह से आप समझते हैं और किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं इस चीज़ को इस चीज़ को वो सोशोलॉजी का नाम देता है लास्ट में वो कहते हैं सोशोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी चलती नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा होगा अ, नेचर ऑफ़ सोशोलॉजी के नाम से जो है पॉइंट नज़र आ रहा होगा इसमें वो कहते हैं इज़ इट साइंस और अ नॉट मतलब नेचर उसकी फितरत क्या है इमरानियात की जो फितरत है वो किस तरह की है इसके बारे में जनाब आपके पास आपको दो तरह की कंट्रोवर्सीज देखनी पड़ेगी वो कहते हैं टू अपोजिट व्यू अबाउट द नेचर ऑफ़ साइंस देर इज़ अ ग्रेट कंट्रोवर्सी अबाउट द नेचर ऑफ़ सोशोलॉजी एज अ साइंस देर आर सम हु डिले सोशोलॉजी द क्लेम टू बी रिगार्डेड एज अ साइंस बट अदर as इज़ मच एज सा लाइक पोलिटिकल साइंस हिस्ट्री एंड एक यहाँ पर ये यह कहते हैं कि इसकी जो फितरत है इसकी जो नेचर है नेचर नेचर के लिहाज से कंट्रोवर्सी है दो पॉइंट दो परस्पेक्टिव है कुछ लोग कहते हैं कि ये एक साइंस है कुछ लोग इसको एक साइंस नहीं मानते जो साइंस मानते हैं वो इसको क्लेम करते हैं कि जिस तरह साइंस के तरीक़ार या प्रोसीजर होते हैं सोशियोलॉजी भी इन तरीके कार उन प्रोसीजर को जो है वो कर रही होती है उनको लेके जा रही होती है इसलिए एक साइंस है और कुछ लोग इस चीज़ को डिले कर रहे होते हैं इस चीज़ को नहीं मान रहे होते कि एक साइंस है और बहुत सारे लोगों के मुताबिक बहुत सारे जो थिंकर हैं साइंटिस्ट हैं उनके मुताबिक जो सोशोलॉजी है एक साइंस है क्यों साइंस है जिस तरह बाकी पोलिटिकल पर जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है हिस्ट्री होगी इकोनॉमिक्स होगी इसको हम सोशल साइंसिस में इंक्लूड करते हैं इसी तरह सोशोलॉजी भी जो है एक सोशल साइंस है नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड नंबर फोर की तरफ जिसके ऊपर वो लिखा हुआ है बिफोर वी फॉर्म एनी ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट वी मस्ट वी मस्ट इंक्वायर इंटू आर वट कॉन्स्टिट्यूट अस कॉन्स्टिट्यूट आर साइंस के अगर हम लोग इसके बारे में ओपिनियन देते हैं कि एक सब्जेक्ट जो है ये साइंस सब्जेक्ट है या नहीं है उससे तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हम साइंस किसको कहते हैं द मीनिंग ऑफ साइंस द मीनिंग ऑफ साइंस में वो कहते हैं साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और अ स्टडी डीलिंग विद अ बॉडी ऑफ फैक्ट और ट्रूथ सिस्टमेटिकली अरेंज एंड शोइंग द एंड शोइंग द ऑपरेशनल ऑफ जनरल लॉज आगे वो इसी के साथ कहते हैं नेक्स्ट कहते हैं इट्स गैदर फैक्ट एंड लिंक दैम टूगेदर इन दियर कैजुअल कैजुअल सीक्वेंस विथ आ व्यू टू ड्रा अ वैलिड इन्फ्रेंस अब यहाँ पर वो ये कहती हैं कि साइंस कहती किसको को है वो ये कहती हैं साइंस एक ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें आपके पास जो नॉलेज होता है वो जो होता है उस उस नॉलेज के बारे में उस नॉलेज के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं उसके बारे में आपके पास हक होते हैं फैक्ट्स होते हैं हकीकत होती है और वो हकीकत आप किस तरह से लेते हैं एक सिस्टमेटिकली एक सिस्टमेटिकली uh, एक अरेंज ऑप्शन होता है ऑपरेशनल जनरल लॉज बनाए जाते हैं uh, ये समझ लीजिए कि एक तरीक़ेकार होता है एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत आप उन फैक्ट्स को इकट्ठा करते हो और उन फैक्ट्स के मुताबिक आप बताते हो कि ये इंफॉर्मेशन एक नॉलेज है ठीक है अब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि बेसिकली साइंस का मतलब ये है कि आप जिस नॉलेज को आप प्रेजेंट कर रहे हो उस नॉलेज के बारे में आप फैक्ट्स दे रहे हो और उन फैक्ट्स को देने के पीछे एक मुकम्मल प्रोसीजर हो और प्रोसीजर क्या हो जनरल लॉज जो है वो एग्जिस्ट रहे हो तो ये चीज़ जो है वो साइंस कहलाती है और जब आप इस इस प्रोसेस के तहत वो चीज़ें वो फैक्ट्स गैदर करती हो तो आप उसके ऊपर इंफ्रेंसिस दे सकते हो मतलब पेशन गोईयाँ कर सकते हो आप नतज दे सकते हो तो इसलिए इन सारी ऐसी तमाम चीज़ें जो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रही हो वो साइंस कहलाती है तो नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड नंबर फाइव की तरफ स्लाइड नंबर फाइव में कहते है, or, uh, variable, variable ये कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज इज बेस्ड ऑन रीज़न एंड एविडेंस इट इज़ देयर फॉर वेरिएबल और वेरिएबल वेरिएबल एंड कमिएबल अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज होता है वो बेस्ड करता होता है रीजन के ऊपर और रीजन किस तरह कि आप उसके बारे में गवाही मतलब एविडेंस देते हो शवाहिद देते हो दी चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंस आर क्या है पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी The possibility of concise, consistent and concrete formulation, ki baat karti hai. The, capacity to, uh, the capacity to form generalization and make prediction. The possibility of verification of the data as well as, the, as, well as of the generalization. The various steps used or scientific method are observation, recording, classification, hypothesis, verification and prediction. इन ए सिंपल वर्ड साइंस डिपेंड ऑन फोर थिंग्स ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन कंकलूजन एंड प्रडिक्शन सोशोलॉजी इज़ अ सोशल एंड नॉट अ नेचुरल साइंसिस मतलब क्योंकि सोशोलॉजी हमने कहा सोशल से मुरादी तमाम चीज़ें जो इंसानों के साथ मुंसलिक होती हैं वो सोशल कहलाती है क्योंकि सोशोलॉजी इंसानों के साथ डील करती है सोसाइटी के साथ डील करती है इसलिए एक सोशल साइंस है एक नेचुरल साइंस नहीं है हमने जब प्रैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस की बात की क्या हमेशा साइंस वो होती है जो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन दे आप उसके ऊपर जनरलाइज कर सके प्रडिक्शन दे सके ठीक है फिर उस चीज़ को दोबारा वेरीफाई कर सके अब साइंस क्या है आप ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों के ऊपर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं आप कंक्लूजन देते हैं और उस कंक्लूजन की बेसिस पर आप प्रोडिक्शन देते हैं क्या पेशेंट पेशेंगोई करती है तो अब हम जब सोशलॉजी में रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च तो स्टार्ट ही ऑब्जर्वेशन की वजह से होती है आप एक्सपेरिमेंट करते हैं एक तरीक़ेकार के तहत आप डाटा को गैदर करते हैं उस डाटा के ऊपर आप जो है इन्फ्लेंसिस मतलब नतज जो है वो ड्रा करते हैं और फिर आप उन नतजी उन नतज या रिजल्ट की बेसिस पर आप प्रिडिक्ट करते हैं तो जो सोशोलॉजी है वो एक सोशल साइंस है और साइंस का एक मरतबा रखती है सोसाइटी के अंदर इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं स्लाइड नंबर सिक्स की तरफ जिसमें स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की बात कर रही है स्कोप क्या होता है स्लाइड नंबर सिक्स में स्कोप ऑफ़ सोशियोलॉजी के नाम से आपको पॉइंट नज़र आ रहा है स्कोप का मतलब उसकी हाथ वसत किस हद तक है स्कोप मीन दैट सब्जेक्ट मैटर और द एरिया ऑफ द स्टडी एवरी साइंस हैज़ इट्स ओन फील्ड ऑफ इंक्वायरी इट बिकॉज टू स्टडी अ साइंस सिस्टमेटिकली unless its boundary or a scope is determined uh, price. Sociology as a social science has, has its own scope or boundaries but there is no opinion about the scope of sociology. Sociology it has a broader and a wider scope. However, there are two main schools of thoughts regarding the scope of sociology. The first the specialist or formalist school of thought and second is synthetic school of thought. अब ये कहते हैं वो स्कोप को कहते हैं स्कोप का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर के उसका नबसे मज़मून क्या है किन चीज़ों के बारे में वो स्टडी करती है सब्जेक्ट मैटर या एरिया ऑफ स्टडी का मतलब कि किन ऐसे एक, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ जहाँ का मुाले सोशोलॉजी कर सकती है तो ये कहते हैं कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा वसी है और हम इसकी जो बाउंड्रीज़ है उनको हम लोग महदूर नहीं कर सकते लेकिन स्कूल ऑफ थॉट के लिहाज से मतलब तो उनके तनाजुर के लिहाज से जो उनकी माइंड सेट है उसके लिहाज से जो सोशोलॉजी है वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है उसके स्कोप को एक वो कहे स्पेशलिस्ट एंड फार्मलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की बात करती है और सेकंड वो कहते हैं सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट तो स्लाइड नंबर सेवन की तरफ चलते हैं जहां पर वो स्पेशलिस्ट और फार्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं अब फार्मलिस्टिक या स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ थाट अब सोशोलॉजी के स्कोप के लिहाज के बारे में स्कोप के बारे में क्या कहते हैं हम ये देखते हैं फर्स्ट में वहाँ पर दिसपोटर ऑफ दिस स्कूल ऑफ थाट आर ग्राम सीनर की बात करते हैं मैक्स मैक्सेबर की बात करते हैं फेडन एंटोनियस की बात करते हैं ये वो सारे थेरिस्ट हैं जो स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट और फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट के साथ जो है लिंक है या इसके स्पोर्टर्स हैं उनके मुताबिक जो है सोशोलॉजी का स्कोप क्या है सोशोलॉजी आर स्पेसिफिक प्योर एंड इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है सोशोलॉजी स्टडी द वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज़ वेरी नैरोड सोशोलॉजी डील विद्पेफिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप सोशोलॉजी नीड नॉट स्टडी इवेंट कनेक्टेड विदेशल बिलीव करता है दैट इट इज़ अ स्पेसिफिक सोशल साइंस एंड इट एंड इट शुड डील विधल रिलेशनशिप फॉर डिफरेंट एंगल्स अब यहाँ पर बेसिकली इनके मुताबिक जो स्पेशलिस्ट और फॉर्मलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले थेरिस्ट हैं इनके मुताबिक जो सोशोलॉजी है ये स्पेसिफ़िक चीज़ों की जो है वो स्टडी करती है ये इंडिपेंडेंट साइंस है और स्पेसिफिक चीज़ों में क्या जो सोशल रिलेशनशिप है उनको स्टडी करती है ह्यूमन रिलेशनशिप जो है जो ह्यूमन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है किस तरह से वो एक दूसरे के साथ डील करती है और उनके रिलेशनशिप क्या है और उनके रिलेशनशिप को डिफरेंट एंगल से देखने की जो है डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो ये स्कूल ऑफ थाट जो है जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग का सोसाइटी के अंदर उनको स्टडी करने के ऊपर ज़ोर देते हैं उस चीज़ के लिहाज से सोसाइटी को वो देखते हैं एक और चीज़ इनका जो आ, आ, स्कोप है इनके मुताबिक जो सोशोलॉजी का स्कोप है वो नैरो और लिमिटेड है नैरो लिमिटेड क्यों क्योंकि जस्ट एक परस्पेक्टिव जो रिलेशनशिप और कनेक्शन के तनासर में ये सोसाइटी को देख रहे हैं इसलिए इनके मुताबिक जो सोशोलॉजी का स्कोप है वो नैरो और लिमिटेड है इसी तरह स्लाइड नंबर एट की तरफ चलते हैं जहाँ पर सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं अब सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट एज कम्पेयर टू स्पेशली स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये क्या uh, के क्या कहते हैं स्लाइड नंबर एट में कहते हैं दी स्पोर्टर ऑफ सिंथेटिक स्कूल ऑफ ऑफ थॉट स्कूल सॉरी दी ऑफ सिंथेटिक स्कूल आर दी दोशोलॉज लाइक गिंग, ंग्स डर हाइम कॉमेडी सोर्किन स्पेंसर हॉबीज तो वही ये सारे वो थेरिस्ट हैं जो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट के सपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक सोशोलॉजी का स्कोप क्या है वो कहते हैं सोशोलॉजी इज़ अ जर्नल एंड सिंथेटिक सॉरी सोशोलॉजी इज़ अ जर्नल एंड सिस्टमेटिक सोशल साइंस उनके मुताबिक सोशोलॉजी एक जर्नल और सिस्टमेटिक मतलब एक प्रोसीजर के तहत जो है एक ऐसी एक ऐसी सोशल साइंस है जिसका एक अपना तरीक़ेकार है और ये तरीक़ेकार जो है जस्ट छोटी चीज़ों को जो लिमिटेड चीज़ें हैं उनको स्टडी करना नहीं है बल्कि जर्नल जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे जस्ट लाइक अ सोशल इंस्टीट्यूशन उनको स्टडी करने का नाम है सेकेंड में वो कहते हैं दी स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज़ वेरी वास्ट वही यही बात क्योंकि ये जनरल चीज़ों को स्टडी करती है इसलिए इसका स्कोप बहुत वास्ट है अब इसके साथ थर्ड में वो ये कहते हैं सोशोलॉजी नीड हेल्प फॉर अदर सोशल साइंसिस सोशोलॉजी जो है वो हेल्प लेती है बाकी सोशल जो है जिस तरह हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है हमारे पास इकनॉमिक्स है हमारे पास जो है साइकोलॉजी uh, है बाकी जितनी सोशल साइंसिस हैं उनकी हेल्प से जो है वो सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश करती है इसके साथ साथ कहती है इट इज़ अथीज ऑफ सोशल सोशल साइंसिस मतलब सेंथसीसिस का मतलब एक थीसिस होता है थीसिस का एंटी थीसिस और इन दोनों के मबैन इन दोनों के आ, The, मिलने की जो थर्ड चीज़ बनती है उसको सेंसिसिस कहते हैं तो ये कहती है कि जो सोशोलॉजी का स्कोप है वो डिफरेंट सोशल साइंसिस की जो मिलने की वजह से जो नई चीज़ें हमारे सामने आती है उसके वो जो चीज़ें निकलती हैं उन चीज़ों की स्टडी जो है वो स्कोप ऑफ सोशोलॉजी है फिर लास्ट में वो बात करते हैं सोशोलॉजी इज़ क्लोजली रिलेटेड विद अदर सोशल साइंसिस बेसिकली जब हम लोग स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ़ थाट की बात करते हैं और फॉर्मली स्कूल ऑफ थाट की बात करते हैं तो ये सोसाइटी के टू लेवल्स जो हैं उनकी बात कर रहे होते हैं एक माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं एक मैक्रो लेवल की बात माइक्रो मतलब छोटा जो हमारे पास स्पेशली स्कूल ऑफ थाट है ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक uh, की बात और एक ये कह रहे हैं कि एक एक स्पेसिफिक किस्म के सेगमेंट की बात एक स्पेसिफिक पार्ट की स्टडी की बात करते हैं तो जो माइक्रो लेवल है वो रिलेशनशिप की बात कर रहा है तो जो स्पेशली स्कूल ऑफ थॉट है वो जिस रिलेशनशिप पर फोकस करते हुए सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश करता है तो वो सारे जितने भी थेरीज जो सिर्फ रिलेशनशिप और कनेक्शन की बेसिस पर सोसाइटी को देख रही है वो स्पेशली स्कूल ऑफ थाट में आते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे तमाम थेरीज जो सोसाइटी को मैक्रो लेवल एक ब्रॉडर टर्म में सोसाइटी को देख रहे हैं और एक ब्रॉडर टर्म में सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं और सोशोलॉजी के स्कोप को देखते हैं वो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थाट में आते हैं तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है थैंक यू स्टूडेंट्स